गाइज मैं करने वाली हूँ अपने नायका के पार्सल की अनबॉक्सिंग, क्योंकि हमारे यहाँ बड़मावस है तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था अपनी सासू माँ के लिए और खुद के लिए, तो मैं दिखाती हूँ मेरे इस बॉक्स में क्या क्या है। सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये स्विस ब्यूटी का लिप ब्रश और देखते हैं ये कैसा लग रहा है। ओ गॉड, वैसे तो मुझे सही लग रहा है, मैं पूरा अनरैप करके दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी से अनफोल्ड कर देते हैं। ये वाली लिप नेल पेंट मैंने खुद के लिए मंगवाई है पिंक कलर की, पिंक मेरा फेवरेट कलर है। उसके साथ मैंने अपनी सासू माँ के लिए जो वो यूज़ करती हैं वो चीज़ें मंगवाई हैं। ये है PAC का लिपस्टिक, ये मैंने खुद के लिए मंगवाया है, रोस्टी शेड है इसका, बहुत अच्छा शेड है। और ये है इनसाइट की लिपस्टिक, ये मेरी सासू माँ के लिए है, वो यही वाली लिपस्टिक यूज़ करती हैं। एंड वॉट इज़ दिस, दिस इज़ नेल पॉलिश, इनसाइट की नेल पॉलिश, ये मुझे ऑफर में मिल रही थी तो मैंने ले ली, मैंने कहा ठीक है यही ले लेते हैं। उसके साथ ही मैंने मंगवाया है अपने लिए शैम्पू, जो कि बहुत मतलब मैंने आज तक यूज़ नहीं करा है। ये है बायोलेज का कलर लास्ट ऑर्किड कंडीशनर एंड शैम्पू। और ये है मेरी फेशियल वाइप्स, तो मैंने इतना कुछ सामान नहीं मंगवाया है, इन्हीं वाइप्स को मैं यूज़ करूँगी, तो इतना सामान नहीं मंगवाया है, थोड़ा बहुत ही है, बट दिस इज इनफ फॉर बड़मावस। मेरे को और छोटा मोटा सामान खरीदना है जो कि मैं बाद में खरीद लूँगी। अभी शायद मैंने एक सिंदूर, दो तीन सिंदूर मंगवाए थे, वो अभी नहीं आया, अभी एक पार्सल और आना बाकी है, क्योंकि सिंदूर भी मैंने मंगवाए थे, पारुल गर्ग वाला मंगवाया है मैंने। एंड अभी मुझे बहुत काम है, वड़की डाली की बात करनी है, अपना कार्गो डाई के लिए देना है, मेहंदी लगवानी है, रजौरी गार्डन जाना है क्योंकि वहाँ से मुझे PAC का फाउंडेशन लेना है, और दिल्ली में मैंने काफ़ी सर्च किया यहाँ से वहीं है PAC का स्टोर, तो और कहीं होगा तो मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताना, मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। सो आज बहुत कुछ है करने को, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। गाइज मैंने यस मैडम से अपने लिए कुछ सर्विसेज बुक करी हैं, ब्यूटी सर्विसेज, वैक्सिंग एंड ऑल, तो देखते हैं वहाँ की सर्विस कैसी होती है। वैसे मैंने पहले भी एक बार कराई है, मुझे सर्विस अच्छी लगी थी इसलिए मैंने दोबारा फिर से बुक करा है। आज मैं रिकॉर्ड करूँगी कि उन्होंने कैसे हाइजीन मेंटेन करा और एवरीथिंग कि वो कैसे करते हैं, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की। एंड यस मैडम का रिव्यू आप लोगों को मिलेगा, जो कि शार्क टैंक पर यस मैडम आया था कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिर वैक्सिंग कराने के बाद हम लोग जाएंगे रजौरी गार्डन। सो उन लोगों ने मुझे ये गाउन दिया, मैंने ये पहना एंड इट वॉज ऑल गुड, मुझे मज़ा आया। गाइज सैलून की सर्विसेज वगैरह काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, सब कुछ मतलब हो गया है सारा ट्रीटमेंट वगैरह, बट मैं बहुत देर से ना ये सोच रही थी कि अभी मुझे PAC का फाउंडेशन लेने के लिए रजौरी गार्डन जाना है, और मन बना रही थी बेड पे से उठ के जाने का, और मेरे पति ने बोला है कि कल को वो मुझे लेकर जाएगा खुद, वो अब मुझे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पति के साथ जाऊँगी, कल वो हाफ डे ले रहा है और कल वो मुझे लेकर जाएगा फाउंडेशन दिलवाने के लिए। One eternity later. गाइज मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ और मेरी वाइफ ने मेरे लिए चाय बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और चीला भी बनाया, कितना प्यारा बनाया है ये, देखिए इसने चीला बनाया है, और ये है मेरी नुनू, और ये चाय है। मेरे हाथों में लगी है मेहंदी प्यारी प्यारी, और मेरे साजन बना रहे हैं प्यारी प्यारी सी खिचड़ी, ये मैंने पूरी रेसिपी बताई है, कड़छी लेकर खड़ा हो गया और एक्टिंग कर रहा है फालतू की। अच्छा बना तो मैं रहा हूँ, पूरी रेसिपी मैंने बताई है, दिमाग खराब हो गया बता रहे। ऑफिस से आया हूँ जब से, 3 घंटे से तेरे पीछे लगा हूँ, 1 घंटे में मेहंदी लगा के लाया हूँ, बाजार से शॉपिंग करा के लाया हूँ, अब आके खाना बना रहा हूँ, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, उस टाइम में मैं खाना बना रहा हूँ। एक चम्मच में थोड़ा सा उसका खिचड़ी का पानी लेके मुझे टेस्ट करा, आई वॉन्ट टू टेस्ट सॉल्ट। ओके गाइस देखो इनकी, हाँ कैसे स्लो 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 करेंगे, इतनी देर में जल जाते हैं, थोड़ा सा खिचड़ी, हाँ हाँ थोड़ा सा ही चाहिए बनी। सही है, नमक मैंने ही डाला है, पर मुझे भी थोड़ा सा ना चेक करना पड़ता है। चेक कर नहीं गाने घर से इसमें ऑपरेट आया। ओके ओके, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। गाइस राजा ने बनाई है खिचड़ी अपने आम, अब मुझे खिला रहा है, मेरी मेहंदी लग रही है। कैसी है? एक नंबर। सच में अच्छी लगी?
मैंने पहली बार बनाई है। हे गाइस, आज था वट सावित्री का व्रत और मैं पूरी सुहागनों के गेटअप में रेडी हो गई हूँ और मैं आपको अपना पूजा दिखाती हूँ। ये है हमारी पूजा, हम पूजा कर चुके हैं। ये है सुहाग का सामान, बायने का खाना मैंने अपनी मकान मालकिन को दे दिया है।